हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ रहें और मस्त रहें हमेशा। एंड डियर फ्रेंड्स, आपसे कुछ शेयर करना था। वो ये कि हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों के लिए हम लोग इंडिया जाएंगे, तो जो बात है वो ये, क्योंकि जो येलो है, ये देखिए, ये बैठा हुआ है, ये हमारा एक प्यारा सा छोटा सा एडोरेबल सा पेट है, और हम चाहते हैं कि हम इसको भी अपने साथ लेके जाएं। अब देखिए, एक दिन की बात या आधे दिन की बात अलग होती है। तब जिनोजी के फ्रेंड्स आ जाते थे और इसको देख लेते थे, खाना वगैरह दे लेते थे अगर हमें कहीं आधे दिन के लिए जाना हो या एक दिन के लिए जाना हो। लेकिन अब अगर बात 10-20 दिन की है तो थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि उसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ ट्राई भी कर रहे थे किसी और के पास छोड़ने, जिनके पास और बर्ड्स हैं वहाँ छोड़ने के लिए। वो भी साइड बाय साइड हमारा चल रहा है, हम इसको रोज़ वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि ये वहाँ थोड़ा सा अडॉप्ट हो सके। लेकिन फिर भी हम साथ में दूसरे ऑप्शन के साथ भी चल रहे हैं। वो ये कि आज हम ऑफिशियल डिपार्टमेंट जाएंगे, वहाँ थोड़ा कंफर्म करेंगे कि क्या पॉसिबल हो सकता है कि हम ये लोग अपने साथ लेके जा सकें। तो देखते हैं क्या बात बनती है। अभी जिन्होंने जी ऑफिस गए हैं, जब वो ऑफिस से आएंगे तो हम फिशरी डिपार्टमेंट चलेंगे, तो तब आपको ले चलेंगे, आपको भी ले चलेंगे हम फिशरी डिपार्टमेंट में। देखते हैं कि क्या बात बनती है, क्या होता है। प्लीज़ सब प्रे करें कि हम ये लोग अपने साथ लेके जा सकें, क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि ये लोग को यहाँ ऐसे छोड़ना, बिकॉज़ ही इज़ वन ऑफ अवर फैमिली मेम्बर, और अब उसके साथ इतना प्यार हो गया, इतना लगाव हो गया है। वो सिर्फ हार्डली 5 एंड हाफ का था कि 5 मंथ का था जब हमारे पास आया था, और अभी वो 2 इयर्स का होने को है। तो इसलिए हम उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं 13th अगस्त। 13th अगस्त येलो का बर्थडे होता है, आने वाला है, जो अभी तो खैर टरने में साल में आएगा। ओके, तो प्लीज़ प्रे करें आप सब भी, हम भी प्रे करें कि हाँ पॉसिबल हो जाए, क्योंकि बहुत फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अगर आप अपने पेट को साथ में लेके जाते हैं बाय एयर। पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत भरा रहता है। अब देखो क्या होता है, मैं बहुत डरी हुई भी हूँ इस चीज़ को लेकर कि पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं, आ जाते हैं और देखते हैं क्या बात बनती है। आई एम सो टेंस्ड। चलिए मिलते हैं आपसे फिर फिशरी डिपार्टमेंट में। ओके, थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं फिशरी डिपार्टमेंट में येलो का पता करने कि हम उसको साथ लेके जा सकते हैं कि नहीं। तो कोशिश है हमारी कि हम उसको साथ लेके जा सकें, बाकी डिपेंड्स ऑन अवर लक एंड येलोज लक ऑब्वियस। लेट्स सी। फ्रेंड्स, हस्बैंड आ गए हैं ऑफिस से और हम वेट कर रहे हैं टैक्सी का। तो फ्रेंड्स, हमारी एक कोशिश है कि हम येलो को अपने साथ लेके जा सकें, तो इसलिए हम जा रहे हैं फिशरी डिपार्टमेंट। तो कहाँ पर है ये फिशरी डिपार्टमेंट माले में? वेला नागे। ओके, वेला नागे बिल्डिंग है। तो पहली बार ही जा रहे हैं हम भी वहाँ पे, चलो देखते हैं क्या बात बनती है। मैं तो बहुत डरी हुई हूँ सच कहूँ तो, रिगार्डिंग येलो को लेकर। ऐसे तो लगा लो, गर्मी से लग रही है, ठीक है, पसीना आ रहा है इतना। I would like to take it to India with me. I will be leaving the country maybe first week of January. So what's the procedure like? I want to take along with me, yes. I will be taking it to India. So you will be doing your part in India as well. You will do or there I have to check their customs. So दोस्तों, कोशिश हो रही है कि बात कुछ बने, देखते हैं क्या बनता है, वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी बात करके हमें ये पता चला है कि सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में ही हमें जो फॉर्मेलिटीज़ करनी है, लेकिन पता नहीं अभी, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती है,
और इंग्लिश में वो बात प्रॉपरली कर नहीं पा रहे थे, और जिस तरह से बात हो रही थी उस हिसाब से जो हमें समझ में आया। और कोशिश है कि फॉर्मेलिटीज हो जाए पूरी, आज देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम यहीं बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि कोई मीटिंग चल रही है। पता नहीं वो लोग कब तक मीटिंग से फ्री होते हैं। अभी वैसे आपको क्या बताया उन्होंने, हम लेडी ने आपको क्या बताया क्या क्या करना है? क्या फॉर्म है दिखाना ज़रा, क्या फॉर्म है? ये फॉर्म है, मुझे कुछ लिखा है ऊपर, लाइव एनिमल एक्सपोर्ट परमिट एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, तो चलो ठीक है कोई ना, जैसे करना पड़ेगा तो सही आएगा, नहीं आएगा तो भी सही नहीं आएगा। नहीं नहीं उल्टा ही दिखेगा, पता नहीं क्या होता है। तो हम वेट ही कर रहे हैं, वेट करते करते भूख भी लगना शुरू हो गई है, लंच टाइम है। चल देखते हैं कब तक आता है, बिल्कुल खाली है यहाँ पर, कोई नज़र भी नहीं आ रहा आसपास। बस लिफ्ट की टू 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 से ना सर दर्द शुरू हो गया मेरे, कब से उधर आपको आवाज़ आ रही है लिफ्ट की, कब से बज रही है टों 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 टों, इस टोंडों से सर दर्द हो गई है। बस तुम्हारी तरफ मुस्कुरा के देखो, मुंह उधर कर लिया करो, हैं? क्या? तो दोस्तों आज बात कुछ इनकम्प्लीट सी हुई है, तो हमें सबसे पहले एनवायरनमेंट ऑफिस में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद वहाँ से जो भी मेडिकल चेकअप हैं येलो के वो करवाने होंगे। अभी फ़िलहाल हम आए हैं यहाँ कॉफ़ी एक्सप्रेस में, तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं यहाँ पर, ये इसका नाम क्या है, कॉफ़ी एक्सप्रेस। तो कॉफ़ी पियेंगे साथ में कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स और फिर चलते हैं।